यूपी में सिपाही भर्ती की परीक्षा रद्द कर दी गई है। अब यह परीक्षा 6 माह के अंदर दोबारा से होगी। सरकार की ओर से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात भी कही गई है। देश हो या प्रदेश हो, जब भी कोई सरकारी एग्जाम होता है तो अक्सर हम सुनते हैं कि जो पेपर लीक हो गया, तो ये बड़ा दुखद मुद्दा है और बड़ा ही ऐसा मुद्दा है जिससे हर कोई इसको चाहता है कि इस तरह की गड़बड़ी या धांधली कहीं ना हो, जिससे कि एक सुरक्षित भविष्य लोगों का हो सके, सही तरीके से रोज़गार मिले लोगों को और वो सीढ़ी बाई सीढ़ी जो है आगे बढ़ पाएँ। इसी विषय पर बात करेंगे RBS मैनेजमेंट में कि वहाँ के जो डायरेक्टर हैं सिंह साहब, ये बताएं कि आजकल देख रहे हैं काफ़ी पेपर लीक हो रहे हैं, मतलब प्रदेश यूपी की बात नहीं, हर प्रदेश में यही हाल है जो, तो क्या लगता है जब ऐसी खबरें आप सुनते हैं तो, क्योंकि आप शिक्षा विभाग से हैं सर? देखिए, ऐसी जो खबरें हैं इन्हें सुनकर के बड़ा दुख तो होता ही है, क्योंकि हमको ये पता ही है कि हमारे देश में कितने सारे जो युवा हैं वो इन सरकारी नौकरियों के लिए कितने लंबे समय से तैयारी करते हैं, और जो छात्र 3-4 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं और उनको तैयारी करने के बाद जिस दिन एग्ज़ाम देकर के आते हैं उन्हें बाद में पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है, तो उनकी जो पूरी मेहनत है, जो लोग वाकई में बहुत लंबे समय से तैयारी के लिए अपना पूरा सब कुछ जुटा चुके होते हैं, कोचिंग भी करते हैं, अपने माँ बाप का पैसा भी लगाते हैं, अपनी पूरी एनर्जी भी लगाते हैं, तो बहुत सारे मान लीजिए मीडियम क्लास के बच्चे हैं, मीडियम क्लास फैमिली के बच्चे हैं या गरीब बच्चे हैं, जैसे पुलिस भर्ती परीक्षा की बात की जाए और अन्य परीक्षाओं की बात की जाए, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो अपने भविष्य को देखते हैं कि हमारी इस तैयारी के बाद एक मेरी नौकरी लग जाएगी। सही कहा सर, एक अब तो खराब अभी इस कॉलेज में आप जो है मतलब डायरेक्टर के पद पे, इससे पहले भी आपने कई सरकारी नौकरियों में अप्लाई किया होगा, क्या ये ऐसे मामले पहले भी आते थे कि अब जैसे कि टेक्नोलॉजी एडवांस होगी क्या उसके माध्यम से ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा विकराल रूप ले रही हैं? जो पहले भी इस तरीके के मामले आते रहे हैं, लेकिन अब टेक्नोलॉजी ज़्यादा विकसित हो गई है, तो टेक्नोलॉजी की वजह से जो चीज़ें बहुत जल्दी आसानी से पकड़ में भी आ जाती हैं। सर आपको क्या लगता है किस तरह से इस नकल की जो प्रथा है इसको कैसे रोका जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भविष्य है जो जिसके अंदर पहले से जो काबिलियत है वो कहीं ना कहीं मर रही है आज की डेट में? मैं तो ये समझता हूँ कि जो ये हो रही हैं चीज़ें, इसका रोकने का एक ही तरीका है कि इसको जो IT की जो टेक्नोलॉजी है वो उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले कर रही है लीकेज का, क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है विद इन ए सेकेंड विदाउट एनी मटेरियल इट पास ऑन टू द एंटायर कंट्री। अच्छा, आपको क्या लगता है सर, क्योंकि कई साल तक हम सुना है कि 20-25 साल तक लोग सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं और कुछ लोग सफल हो जाते हैं और अधिकतर लोग उसमें असफल हो जा रहे हैं आज की इसी कारण से कि लोग जो पेपर लीक के चक्कर में। देखिए, बहुत सारा हमारा जो समाज है वहाँ पर हम जैसा कि जानते हैं हिंदुस्तान में 70% जो जनसंख्या है वो ग्रामों में बसती है, ग्रामीण परिवेश से आते हैं लोग, और ग्रामीण परिवेश में लोगों का जो सोर्स ऑफ इनकम है बहुत कम होता है, और जो बच्चे अपने माँ बाप का जो बहुमूल्य पैसा है जो बड़ी मेहनत से उनके पास आता है उसको लेकर के शहरों में आते हैं फिर तैयारी करते हैं। बिल्कुल सही कहा सर आपने। अब देख रहे हैं जब कोई भी सरकारी तैयारी जब अपने परिवार का कोई भी सदस्य करता तो वो अकेला नहीं होता, उसके परिवार, उसके भाई बहन, उसके रिश्तेदार उसकी पूरी मदद करते हैं, दिन रात उसकी किताबों के लिए, पैसों के लिए, खानों के लिए पूरी दिन और रात एक कर देते हैं। जब उसे पता लगता है कि पेपर आउट हो गया या कैंसिल हो गया तो बड़ा दुख होता है उस पूरे परिवार को, जो क्या कैसा महसूस करते हैं उस पर? नहीं, ये मुद्दा बहुत ही गंभीर है सर आपने जो उठाया है। देखिए, हम लोग स्टूडेंट भी रहे हैं, आज शिक्षक हैं, तो अपने स्टूडेंट लाइफ से अगर मैं प्रैक्टिकली देखूं तो दो तरीके के जैसे एग्ज़ाम होते हैं, नॉर्मल स्टडीज जो करते हैं जैसे हाई स्कूल करना, 12th करना, 10th 12th और ग्रेजुएशन वगैरह, एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, दोनों में बड़ा डिफरेंस है। एक रूटीन में पढ़ना, एग्ज़ाम देना, और एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फुल्ली डिवोटेड होकर पूरा परिवार जिसमें समर्पित हो जाता है, एक बच्चे के लिए पूरा पैसा भी खर्च होता है उसमें और बच्चा अपना पूरा जीवन उसमें लगा देता है। अब इस परीक्षा को हमें उतनी जितनी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए कि साहब इस परीक्षा का पेपर आउट नहीं होना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसा डॉक्टर साहब ने भी IT का पॉइंट उठाया, तो मैं चूँकि MC डिपार्टमेंट का ही डीन हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे उस पर ज़्यादा प्रकाश डालना चाहिए, क्योंकि सर ने कहा कि IT उसमें इन्वॉल्व है, अगर पेपर आउट होता है तो उसका बहुत बड़ा रोल है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, स्प्रेडिंग बहुत फास्ट होती है, आज कोई चीज़ लीक हो जाए, अगर झूठी खबर फैलानी हो आप समझ सकते हैं सर सोशल मीडिया पर जल्दी वायरल होती है, और अच्छी बात को फैलाने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। बस सर आपसे डॉक्टर साहब आखिरी सवाल, उन छात्रों के लिए जो लोग इसमें विफल हो जाते हैं या फिर जैसे अभी काफ़ी हम देखते हैं कि सुसाइड लोग कर लेते हैं, उन छात्रों के लिए क्या मैसेज, क्योंकि सबसे बड़ा दुख होता है कि ऐसे जो छात्र जो काबिल छात्र होता है वही सुसाइड करता है, एक असफल कभी जो सफलता जो हासिल करता है वो कभी नहीं करता, तो उनके लिए सर क्या मैसेज आपका? देखिए, मेरा मानना ये है कि सुसाइड की तरफ तो कभी नहीं जाना चाहिए छात्र को, उनको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि सरकार काफ़ी सख्त है,
पेपर अगर मान लीजिए कैंसिल भी हो गया तो सरकार उसे दोबारा कराती ही है, तो उन्हें पुनः जो है उस परीक्षा में बैठने की तैयारी पूरे मन से फिर करनी चाहिए और पुनः परीक्षा में बैठ करके वो अपना जो भविष्य है उसका निर्माण कर सकता है। ज़्यादा समय नहीं है, सरकार बहुत जल्दी परीक्षाएँ कराती है, थोड़ा समय ज़रूर लग जाता है, तो धैर्य रखते हुए सारी चीज़ों को एनालिसिस करते हुए उन्हें ये नेगेटिव कदम कभी नहीं उठाना चाहिए और आगे जो जितनी भी और परीक्षाएं हो रही हैं उनके लिए उन्हें प्रयास करना चाहिए, मेरा मानना तो ये। सही कहते हैं कि लोग सफलता और असफलता एक ज़िंदगी के दो पहलू हैं, कभी हार है तो कभी जीत, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग इसको निराशा को अपने गले बांध लें और उसको एक आत्महत्या का प्रयास करें, ये बिल्कुल सही नहीं। आप लोग आगे बढ़ें, हो सकता है कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए और इंतज़ार कर रही है। सरकार इस पर लगातार नए नए कानून बना रही है कि जो पेपर लीक के जो मामले सामने आ रहे हैं उनको रोका जाए, और हम सबकी भी जिम्मेदारी है इस तरह के अगर मामले हम कहीं देखते हैं तो तुरंत अपने नज़दीकी प्रशासन या सरकार को इत्तला करें ताकि इस तरह की गतिविधियों को ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में ज़्यादा रोका जा सके। मैं मनोज के साथ लक्ष्मी राज सिंह, सी न्यूज़ आगरा। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।